स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को मैंने ये लेसन पढ़ा दिया था बहुत हद तक, है ना। फीस वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था, स्विमिंग के बारे में बता दिया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में डेजर्ट प्लांट के बारे में भी बता दिया था, है ना। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग कहाँ से। तो कैमल से हम लोगों को देखना है, हम लोग को कहाँ से देखना है, कैमल से देखना है, यहीं से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि कुछ मीनिंग्स लिख लें। आप लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला मीनिंग है आपके लिए कैमल, सेकंड है बेस्ट, थर्ड है एनिमल, है ना। आपको इसको लिखते रहना है, मैं देखते जा रहा हूँ। सैंडी सर्वाइव डिजर्ट, है ना, आप लोग लिख लें सैंडी, है ना, सर्वाइव डेजर्ट, है ना। आप लोग इस मीनिंग्स को लिखें अपनी कॉपी में, है ना। इसके बाद है प्रोटेक्ट लॉन्ग, प्रोटेक्ट लॉन्ग, प्रोटेक्ट लॉन्ग। इसके बाद है आपका बॉडी हाई एवव, बॉडी हाई एवव, एवव। इसके बाद है आपका ड्रिंक पासेज मैनेज, है ना, ड्रिंक पासेज मैनेज, ड्रिंक पासेज मैनेज, यूरिन, है ना। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और आगे है अस्टोर्स हम, अस्टोर्स हम, है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग फैट, क्या, तो फैट, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बॉदर, है ना, एक और ले लेते हैं हम लोग, क्या, बॉदर। चलिए तो इतने मीनिंग्स को आपको क्या करना है कि होमवर्क में आप लोग को बना के भेजना है, है ना। और भेजना कब है, तो 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों को भेजना है। भेजना कहाँ है, तो आप लोगों को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, है ना। क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ आप इसको भेज सकते हैं। तो चलिए आज टॉपिक देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैमल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनिमल दैट कैन सर्वाइव इन हॉट ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट। कैमल जो है सबसे अच्छा उदाहरण होगा जानवरों में जो कि सबसे गर्म क्षेत्रों में रहता है, सूखे क्षेत्रों में रहता है और बलुआही क्षेत्रों में रहता है। इट हैज लॉन्ग आईलेसेस दैट प्रोटेक्ट्स इट आईज फ्रॉम सैंड। इसका जो आईलेसेस होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है ताकि कि जब हवा चले तो वहां जो होता है धूल जो उड़ता है उसमें बालू होता है, सैंड पार्टिकल्स होता है, इनके आंखों में वो सैंड पार्टिकल्स ना जाए, है ना। लिखा हुआ इट हैज लॉन्ग लेग्स दैट कीप इट्स बॉडी हाई अबव द हॉट सैंड। इनके जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लंबे पैर होने के कारण इनके जो होते हैं इनका शरीर गर्म जो होता है वहां पे बालू उससे बहुत ज्यादा दूर होता है। इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन गो एंड पासेस वेरी लिटिल यूरिन। जब भी ये कहीं इसको पानी मिल जाता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को पी लेता है और बहुत कम मात्रा में यूरिन को शरीर से बाहर निकालता है। सो इट कैन मैनेज विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग स्पेल्स। इसी के कारण ये क्या करता है कि लंबे लंबे समय अवधियों तक भी ये बगैर पानी के जिंदा रह जाता है। इट हैज स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन इट्स हम, है ना। ये अपने भोजन को कहाँ स्टोर कर लेता है, तो फैट के रूप में कर लेता है, हम्प में ये स्टोर कर लेता है। सो द शॉर्टेज ऑफ फूड इन डेजर्ट डज नॉट बोदर इट टू मच। इसका मतलब है कि अगर इनको भोजन भी लंबे समय तक ना मिले तो इनको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कोल्ड क्लाइमेट। लिखा हुआ पोलर बियर्स लिव इन द आर्कटिक रीजन। पोलर बियर्स आप जानते हैं कि रहता कैसे रीजन में, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन विच इज वेरी आइसी कोल्ड, है ना, ये बहुत अत्यधिक ठंड होता है। सो नेचर हैज फिटेड देम विद अ थिक कोट ऑफ फर। इसका मतलब है कि ये जो पोलर बियर्स होते हैं इनको प्रकृति ही कैसा बना के दिया है, तो इनके शरीर में बहुत ज्यादा फर दे दिया है। क्या दे दिया है, फर दे दिया है। फर कहने का मतलब है कि इनके शरीर के ऊपर बाल का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा होता है। दे ऑल्सो हैव अ थिकर लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। इनके शरीर के अंदर मांस पहला जो स्किन होता है चमड़े के अंदर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, तो फैट स्टोर्ड होता है और फैट स्टोर्ड होने के कारण ये ठंडा से फैटिंग को बचाता है। सिंस फैट इज एन एनर्जी बैंक एज वेल एज दिस लेयर सर्व्स देम वेल देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड। फैट जो होता है एनर्जी बैंक के जैसा बिहेव करता है, जब भी कभी भोजन की कमी होने लगती है तब ये जो जानवर होते हैं ये फैट से ही भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ पेंगुइन सेल्स वेल्स वल्सर्स एंड अदर एनिमल्स दैट हैव टू बी पुट अप विद अ वेरी कोल्ड कंडीशन हैव
also have a thick layer of fat. तो वैसे penguins हैं, seals हैं, whales हैं, walruses हैं, ऐसे एनिमल जो कि बहुत अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो इनके साथ होता क्या है कि ये ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, तो कर लेते हैं अपने फैट का, और फैट का इस्तेमाल करके ये ठंडे से ठंडे क्षेत्रों में भी क्या रह जाते हैं, तो जीवित रह जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग, नीचे आते हैं माइग्रेशन में। माइग्रेशन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप लोग, कि जब जीव जंतु को भोजन नहीं मिलता है तब, जब जीव जंतु को भोजन नहीं मिलता है तो भोजन की तलाश में, या भोजन की तलाश के साथ आवास की तलाश में, अपने अनुसार जीने वाले मौसम की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, इसी को कहते हैं माइग्रेशन। Some animals travel or migrate from one place to another to avoid very cold conditions and shortage of food. कुछ animals ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह, है ना, cold condition को avoid करने के लिए और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। For example, many birds fly hundreds of miles to India and other warm countries in winter. है ना, होता क्या है कि बहुत सारे जो होते हैं करोड़ों करोड़ों मतलब माइल, सौ सैकड़ों माइल चलकर इंडिया तक चले आते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है ना, ठंडी का मौसम आती है, तो ये किसी और कंट्री में चले जाते हैं। दिस विंटर विजिटर्स और माइग्रेटरी बर्ड्स आर द डिलाइट ऑफ वर्ल्ड वॉचर्स इन आवर कंट्री। ये जो ठंडे के मौसम में जो हमारे यहाँ कंट्री में चले आते हैं ये पक्षियाँ, है ना, तो हमारे देश में क्या होता है कि इन पक्षियों को देखने के लिए भी हुजूम उमड़ पड़ता है। बर्ड्स ऑफन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विटिन Our country too, especially from the Himalayas to the Northern Plains. हमारे देश में क्या होता है कि हिमालयन रीजन से Northern Plains की ओर birds का migration अक्सर हाँ देखा जा सकता है, है ना? Insects, fish and some mammals also migrate to avoid harsh weather. कुछ ऐसे होते हैं आपके जैसे कीड़े होते हैं, मछली होते हैं, mammals होते हैं, जो भी क्या करते हैं कि migrate कर जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि migration मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए अब मैं आपको words की ओर ले चलता हूँ, है ना, मैं धीरे धीरे आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहा हूँ। इस लेसन का क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया है, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए वर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, वर्ड्स के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द इंटायर बॉडी ऑफ ए बर्ड इज अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। इंटायर बॉडी जो होता है इसका, पूरा जो शरीर होता है वो बना हुआ होता है उड़ने के लिए। कैसे, तो इट हैज विंग्स इंस्टेड ऑफ फोर लिम्स। इनके पास फोर लिम्स के बदले में क्या होता है, तो पंख होता है। द विंग्स आर कवर्ड विद फेडर्स सो दैट एयर कैन नॉट पास थ्रू देम व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स देम अगेंस्ट द एयर। इनका जो होता है पंख जो होता है उसमें वेदर से बना हुआ होता है, जिसके कारण हवा आसानी से उसको पास नहीं कर पाता है। कब जाइए अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं तब। द बोन्स ऑफ ए बर्ड आर हॉलो टू मेक इट लाइट सो दैट इट कैन फ्लाई। ये जो बोन्स होते हैं बर्ड्स के, ये खोखले होते हैं अंदर से, और तो इसी के कारण पक्षियां जो होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं और ये आसानी से उड़ सकते हैं। इट्स मसल्स आर स्ट्रांग टू हेल्प इट फ्लैप इट्स विंग। इनके जो मांसपेशियां होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, है ना, और इसी के कारण ये आसानी से अपनी पंखों को हिलाकर एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। इट्स आईसाइट इज शार्प टू हेल्प इट सी इट्स फूड फ्रॉम द एयर। इसका जो आंखों से देखने की क्षमता होती है ये बहुत अच्छा होता है, ये हवा में रहते हुए भी भोजन को जमीन पर खोज लेता है। एंड इट हैज एक्स्ट्रा लिटिल लंग्स टू गिव इट द एक्स्ट्रा एनर्जी इट नीड्स फॉर फ्लाइंग। इसके पास एक्स्ट्रा लिटिल लंग्स भी होता है, एयर सैक होता है, जिससे कि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है उड़ने के लिए। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं हर्बीवोरस के लिए। लिखा हुआ हर्बीवोरस मैमल्स इट लिव्स सूट्स ग्रास। हर्बीवोरस जो मैमल्स होते हैं, शाकाहारी जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं, वो पत्ते खाते हैं, सूट्स खाते हैं, घास खाते हैं। दे डू नॉट नीड शार्प एजेस कैनन्स टू टियर फ्लेश। इनको मांस खींचने के जैसा जो कैनन्स होता है उसकी आवश्यकता इनको नहीं होती है। सो मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव कैनन्स और हैव ब्लंट कैनन्स। अगर देखा जाए हर्बीवोरस मैमल्स के लिए, तो हर्बीवोरस मैमल्स के पास किसी भी प्रकार का कैनन्स होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो कैनन्स कैसा होता है, ब्लंट होता है। दे हैव शार्प इंसिजर्स फॉर कटिंग वेजिटेबल्स मैटर एंड लार्ज, है ना, फ्लैट लिप्स प्लीमोरर मोलर्स फॉर च्यूइंग फूड। इनके पास जो होता है शार्प इंसिजर होता है, मतलब आगे का जो इंसिजर होता है बहुत होता है शार्प, जिससे कि ये भोजन को आसानी से काट लेते हैं। फ्लैट इज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनका मोलर्स और प्रीमोलर्स बहुत चौड़ा होता है, जिससे कि ये भोजन को चिबाते हैं। दे ऑल्सो हैव सम हेल्पफुल बैक्टीरिया इन स्पेशल स्टोमक और ए पार्ट ऑफ देयर इंटेस्टाइन। इनके पास इनके पेट में, विशेष प्रकार के पेट में एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि भोजन को हेल्प करता है आसानी से पचाने में। द बैक्टीरिया हेल्प देम डाइजेस्ट प्लांट मैटर। ये बैक्टीरिया करता क्या है कि प्लांट के मैटर को आसानी से पचा देता है।
हर्बीवोरस हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कार्निवोरस दैट हंट देम, है ना। हर्बीवोरस को क्या होता है, अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ता है ताकि उनको कोई कार्निवोरस एनिमल उनका शिकार ना कर ले। सो मोस्ट ऑफ देम हैव आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड, और इसी के कारण उनकी आंख जो होते हैं वो उनके किनारे में होते हैं। दिस हेल्प देम लुक अराउंड बेटर, और इस किनारे में आंख होने के कारण ये अपने चारों ओर आसानी से देख सकते हैं। मेनी मूव अराउंड इन हर्ड्स और ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बेटर। ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ये चलते कैसे हैं, तो हमेशा ग्रुप्स में चलते हैं, झुंड्स में चलते हैं, ताकि ये अपने आप को सुरक्षित रख सकें। सम इवन हैव गार्ड्स टू वार्न द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द डेंजर। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो गार्ड्स का भी काम करते हैं, जो कि कभी किसी प्रकार की परेशानी आने पर, है ना, अपने ग्रुप के समूह के लोगों को क्या करता है, तो नोटिफाई करता है कि देखो यहाँ पे क्या होने वाला है ना, अपने तरीके से उनको क्या करता है, वार्न करता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाया हर्बीवोरस के बारे में, अभी भी इस लेसन में बहुत सारी चीज बचे हुए हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे कि एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग के स्क्रीन पर होमवर्क दिया हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग इस होमवर्क को बना के आप लोग क्या करेंगे कि मेरे पास आज ही शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भेजेंगे। निश्चित समय पर होमवर्क भेजना आपका फर्ज है, हम लोग आप लोगों को इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें, है ना। और पढ़ाई करने के साथ साथ में आप लोग क्या करें कि आप लोग इस होमवर्क को बनाकर भेजते रहें और साथ में याद भी करते रहें, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें।